मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ हमेशा से ही अपने बयान को लेकर विवादों में रहे हैं और एक बार फिर से कमलनाथ अपने बयान की वजह से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल कमलनाथ ने बीजेपी नेत्री इमरती देवी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर बीजेपी नेता जमकर कमलनाथ पर निशाना साध रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने अभी हाल ही में इमरती देवी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसको लेकर एक बार फिर से कमलनाथ बुरी तरीके से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेत्री इमरती देवी के ऊपर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के बाद विपक्षी पार्टियों ने जमकर कमलनाथ पर हमला बोला, जिसको देखते हुए कमलनाथ ने सोमवार को एक चुनावी सभा में इस पर अपनी सफाई दी और उन्होंने इसके साथ ही किसी का अपमान करने से मना कर दिया। कल मैंने कुछ कह दिया था, हाँ, कोई अपमान सोच से नहीं कहा था, मुझे तो नाम नहीं याद था। आज भी जिसका नाम नहीं याद है उसे कुछ कह दूं मैं, हाँ, जैसे आज हमारे मंच के आइटम नंबर वन थे राधारहन सिंह, आइटम नंबर तीन दो थे अजय सिंह जी, ये लिस्ट में लिखा आइटम नंबर वन, आइटम नंबर टू, आइटम नंबर थ्री, किसी का अपमान। कमलनाथ के इस आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इमरती देवी के सम्मान में सोमवार को भोपाल में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक 2 घंटे के लिए मौन धरना दिया। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा और इसको सिर्फ इमरती देवी का ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की बेटी का अपमान बताया। तो वहीं इमरती देवी ने भी कमलनाथ पर निशाना साधते हुए उनके आचरण पर सवाल उठाए और उन पर तीखे वार किए। किस जाति से आया है कि महिला से एक ऐसी बात करता है, हम बिल्कुल शोभा नहीं देता जैसी बातें करता है, जैसा जो होता है वैसा ही आपने देखा। उन्हें हम 4 महीने से पार्टी बदल के आ गए, आपने हमारे मुंह से सुनी कि कमलनाथ ऐसे हैं, हम भी कह सकते थे, हम भी मंच से कह सकते थे कि कमलनाथ इतना गंदा है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा और महिलाओं के सम्मान की भी बात कही। दलित समाज की गृहिणी पर टिप्पणी की गई, अभद्र टिप्पणी की गई, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिससे मैं मानता हूं कि केवल हमारी मातृशक्ति नहीं लेकिन पूरा देश आहत होगा। मैंने कहा जो कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, अपने आप को बड़े नेता मानते हैं, कि चुनाव के बाद इमरती जी को जलेबी बनाया जाना चाहिए। एक गीत है, लाख छुपाओ छुप ना सकेगा, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। अब ये जितना मर्जी छुपा लें, जो इनके दिल की बात है बाहर आ जाती है। जिस प्रकार कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की महिला नेत्री इमरती देवी के बारे में अश्लील शब्द का प्रयोग किया, अब ये लाख सफाइयां दें लेकिन वो इनके दिल की बात है जो उनकी जुबान पर आ गई, और कांग्रेस पार्टी की वो फिलोसफी है, वो नीति है। कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं के बारे में ऐसे ही विचार रखती है। इमरती देवी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने के बाद कमलनाथ हर तरफ से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने इसकी सफाई अपने भाषण में दी लेकिन विपक्षी पार्टियों का गुस्सा अभी भी कमलनाथ पर बरस रहा है। महिलाओं के सम्मान को लेकर अब कमलनाथ लगातार घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जहां भारत में एक तरफ महिला अपराध के कई मामले दर्ज होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ नेता द्वारा ऐसा बयान दिया जाना असंवेदनशीलता की मिसालें पेश करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।